हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति। स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे सूजी के गोलगप्पे। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी घर बैठे बड़ी ही आसानी से बाजार जैसे सूजी के गोलगप्पे बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए 200 ग्राम हमें सूजी चाहिए और सूजी बिल्कुल बारीक वाली चाहिए। रिफाइंड ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, 6 छोटे चम्मच हमें चाहिए और वो भी बिल्कुल गर्म चाहिए। 1 कप पानी चाहिए हमें, ये भी बिल्कुल गर्म चाहिए, ये हमें आटा लगाने के लिए चाहिए। बेकिंग पाउडर मैं यहाँ पे लूँगी 1/4 छोटी चम्मच, और बेकिंग सोडा नहीं लेना है यहाँ पे, बेकिंग पाउडर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक खाली कंटेनर लेंगे, उसमें डालेंगे सूजी। अब हमें यहाँ क्या करना है, सूजी के अंदर हमें तेल डालना है, तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, तेल को गर्म कर लेंगे अच्छे से। तो एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे तेल और अच्छे से इसको गरम करेंगे। तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है बहुत तेज, अब हम क्या करेंगे, इसे कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम पैन में हम पानी भी डाल देंगे और पानी को भी अच्छे से गरम कर लेंगे, अच्छा तेज पानी गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो 1 कप पानी लिया था ये सारा मैं डाल दूंगी। जब तक पानी हमारा गरम हो रहा है हम सूजी में तेल को मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच लूंगी और ये 6 चम्मच मैं यहाँ पे गरम तेल डाल दूंगी। बहुत ही सावधानी से हमें डालना है क्योंकि जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गरम है, तो आप ज़रूर सावधानी से डालें इस तेल को। तो यहाँ पे 6 छोटी चम्मच हमें तेल चाहिए इसमें, ये देखिए। और हम क्या करेंगे, इसको चम्मच की सहायता से मिला लेंगे। तो आप हाथ से बिल्कुल ना मिलाएं, बहुत ज़्यादा गर्म तेल है इसलिए आप चम्मच से ही मिलाएं। तो तेल हमारा मिल गया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर है वो ले लेंगे, ये देखिए 1 छोटी चम्मच है और ये मैंने 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये भी मिला देंगे। तो अभी हम इसको हाथ से मिला लेंगे। तेल जो है इतना होना चाहिए इसके अंदर, तो जो ये ऐसे मैं दबाऊं तो ये ऐसे, ये देखिए इस तरह से ये हाथ पे भी पूरा तेल आ गया, ये देखिए इतना तेल हमें चाहिए। पानी हमारा अच्छा गर्म हो गया है, अब हम इसे कप में निकाल लेंगे पानी को, और थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हम आटा लगाएंगे, सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। और यहाँ पे भी हम चम्मच से ही मिलाएंगे क्योंकि पानी बहुत गर्म है, तो प्लीज़ चम्मच से ही मिलाएं वरना आपके हाथ भी जल सकते हैं, तो सावधानी से करें। तो अभी हमें ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो तेल हो और पानी हो वो अच्छा गर्म होना चाहिए, हम इसमें ठंडा तेल या ठंडा पानी यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हाथ से हम इसको मिलाएंगे। जब हम आटा लगाएंगे तो हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि जो सूजी है वो पानी डालने से थोड़ा फूल जाती है और वो थोड़ी टाइट हो जाती है। तो आटा हमें इस तरीके का लगाना है यहाँ पे जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं, ना ही तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए ये आटा और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। तो शुरू में हम पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि सूजी जो है वो इसको सोख लेगी और ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छा सारा पानी डाल दिया और इसको भिगा दिया है अच्छे से। तो ये देखिए अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ये देखिए इस तरह से हो गया है ये, इसको ढक के रख देंगे हम 10 मिनट के लिए और उसके बाद चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए जो ये सूजी है ये पानी पूरा इसने सोख लिया है और ये थोड़ी टाइट भी हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाथ की सहायता से ऐसे मसल मसल के इसको गूंदेंगे और हमें आटे को तब तक मसलना है जब तक ये अच्छा चिकना ना हो जाए। ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं मुझे आटे को गूंदते हुए इस तरह से, और 20 मिनट में ये बहुत अच्छा चिकना हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हथेली की सहायता से हम इसको चिकना करेंगे बिल्कुल। तो आटा लगाने में टोटल हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आटा जो है वो एकदम चिकना होना चाहिए। ये देखिए आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट लग गया है, बहुत अच्छा हो गया है, सूजी बिल्कुल आटे की तरह सॉफ्ट हो गई है जैसे हम रोटी का लगाते हैं। तो अभी ये तैयार हो गया है, अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से हम इसे रोल करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो तोड़ लेंगे इस तरह से छोटे छोटे। ये छोटे छोटे और फिर इनकी बॉल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा आटा हमने इस तरह से तोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा छोटा ही करना है इसको। ये देखिए इस तरह से हमें चिकनी बॉल बना लेनी है बिल्कुल। तो इसी तरह से हम सारी बॉल को बना लेंगे, ये देखिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चकले की सहायता से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इसको बेल लेंगे, हम इसको गोलगप्पे की शेप का बेलेंगे। आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं बिल्कुल, ये थोड़ा सा ओवल शेप में बेलेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को बेल लेंगे
और जो हमने आटा था वो हमने ढक के ही रखा है वरना वो सूख जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा लेके इसको इस तरह से पेड़े बना के और बेल लेंगे और इनको फिर तलेंगे। फिर जो बाकी का बचा है उसको भी इस तरह से ही करेंगे, सारे के पेड़े एक साथ ना बनाएं। आप चाहें तो एक बड़ी रोटी बनाकर और उसमें से पेड़े काट के भी बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बेल लिए हैं सारे, अब हम तल लेते हैं। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। तेल को चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से आटा लेंगे और इसको थोड़ा पूरी की शेप में करेंगे और इसमें तेल में डाल देंगे। तो ये देखिए जो पूरी जो हमने डाली थी ये ऊपर आ गई, इसका मतलब तेल बढ़िया गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारे जो गोलगप्पे थे वो डाल देंगे। तो ये देखिए गोलगप्पा डालते ही फूल गया है बहुत अच्छा। और जो ये गैस का जो फ्लेम है वो हमने मीडियम रखा है, शुरू में हमने इसको हाई फ्लेम पर गर्म किया था। तो ये देखिए जो सूजी के गोलगप्पे हैं वो एक तरफ से थोड़ा डार्क कलर होता है और एक तरफ से लाइट कलर होता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह बने हैं। ये देखिए कलर आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जैसा आपको चाहिए उस तरीके का रख सकते हैं आप, आपको कितना डार्क या कितना लाइट रखना है। तो जो हमारे गोलगप्पे हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और हाँ, इन्हें एक के ऊपर एक करके नहीं रखना है, इनको अलग अलग रखना है और थोड़ी देर पंखे के नीचे रखना है, कम से कम 10 मिनट, तभी ये अच्छे करारे होंगे, वरना ये रोटी की तरह सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारे गोलगप्पे मैंने निकाल लिए हैं इसमें से, इसे भी निकाल लेंगे। तो लीजिए तैयार हो गए हैं हमारे गोलगप्पे। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी मैं दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची बने हैं। तो ये देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रंची बने हैं, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। ये देखिए बिल्कुल क्रंची बहुत बढ़िया बने हैं, ये देखिए। तो गोलगप्पे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, अब हम क्या करते हैं इन्हें सर्व कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर उबले हुए चने डालेंगे। यहाँ पे आप काले उबले हुए चने भी यूज़ कर सकते हैं और सफ़ेद वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं सफ़ेद वाले जो छोले होते हैं वो मैंने उबाल के रखे हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज, आप प्याज ज़रूर डालें, प्याज से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें आलू भी डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मीठी चटनी है सॉल्ट जो इमली वाली चटनी है वो थोड़ी सी डाल देंगे, ये देखिए। आप इस चाहें तो इसमें दही डाल के भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे हम पानी डाल देंगे इसमें, हमने जो ये पानी तैयार किया था पुदीने का, ये बहुत ही अच्छा पानी बना है। ये देखिए गोलगप्पा हमारा बहुत अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दही वाला गोलगप्पा बनाएंगे, थोड़े से आलू और ये छोले डाल देंगे और थोड़ी सी डाल देंगे हम इसमें प्याज ज़रूर डालें, इसे स्किप ना करें। उसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे, थोड़ी सी जो ये इमली वाली चटनी है ये डाल देंगे इसके ऊपर। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी। तो लीजिए बनकर तैयार हो गए हैं हमारे टेस्टी टेस्टी सूजी के गोलगप्पे। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में।